जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर टर्किश डिलाइट, जो कि आज हम जो बनाएंगे इसका फ्लेवर मैं दे रही हूँ रोज का। इसमें काफी फ्लेवर्स होते हैं, लेमन भी होता है, पाइनएप्पल बना लें जो आपको पसंद है। तो ये आज बनेगा रोज टर्किश डिलाइट, साथ में पिस्ताशियों के साथ में। चीजें जो आपको चाहिए, आपको चाहिए इसके लिए पानी सादा, आपको चाहिए पाउडर शुगर, आपको चाहिए यहाँ पर आप देख लें कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। चीज ये एक ही होती है, सिर्फ इसके नाम दो डिफरेंट होते हैं। बीच में जो मैं डालूंगी वो पिस्ताशियोज हैं, यानी कि पिस्ते जाएंगे। यहाँ पर आप देख लें दोबारा हमें कॉर्न फ्लावर की जरूरत होगी। रोज वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एसेंस होता है आपको आसानी से सुपर स्टोर या एशियन शॉप से मिल जाता है। क्रीम ऑफ टार्टा आपको चाहिए यहाँ पर, रेड फूड कलर आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लिक्विड। दूसरी तरफ आप देख लें इसकी दो तरीके होंगे, आपको मैं दिखाऊंगी स्टेप्स हैं इसके। सेकंड स्टेप के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पे पानी दोबारा, दैट्स वाटर, चीनी यानी कि शुगर ग्रैन्यूलेटेड है। इसको आपको जब पकाना होगा आप देखेंगे किस लिए आपको चाहिए। लेमन जूस आपको चाहिए होगा यहाँ पर एक अदद आपको चाहिए। ट्रे से आपने अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है, ये प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, इसको एक साइड पे कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। स्टेप इसका है जो हमने टर्किश डिलाइट के लिए करना है, एक आप लेंगे पैन, उसमें आपने ऐड कर लेंगी जो कि आपकी चीनी है तमाम चलेगी बीच में। इसी में आप डालेंगे जो कि पानी आपको दिखाया था, लेमन जूस जाएगा बीच में, और यहाँ पर ला करके आपने फ्लेम फिलहाल हाई पर रखनी है और चमचा बीच में आप हिलाते रहेंगे ताकि जो आपकी शुगर है बीच में ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जानी चाहिए। आपका जो चीनी है पानी में डिजोल्व हो रही है, हम दूसरा काम यहाँ पे कर लेते हैं। आपको लैदा एक बड़े साइज की, ये थोड़ी बड़े साइज की आप देखी लेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको कॉर्न फ्लावर दिखाया था या कॉर्न स्टार्च इसे कहा जाता है। ये मेजरमेंट है इसकी, इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि कोई चीज भी जो है पीछे ना रहे वरना फिर सही नहीं बनेगा इसका जो टेक्सचर है। तो ये चला गया बीच में कॉर्न फ्लावर, ये जाएगा क्रीम ऑफ टार्टा, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाता है सुपर स्टोर वगैरह से जहाँ पे केक की आइस होती हैं। और इसमें आप ऐड करेंगे पानी, आहिस्ता से करके सारा पानी आप डाल देंगे और उसके बाद मेक श्योर कीजिएगा विस्क के साथ में आप अच्छी तरह इसको यहाँ पर हैंड सा लें ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं होने। शुगर अभी भी इसमें डिजोल्व हो रही है, आपने क्या करना है साथ साथ एक ब्रश के साथ में जो हांडी का साइड है यह देख रहे हैं चीनी यहाँ पर जो कलेक्ट हो रही है ये क्रिस्टलाइज हो रही है। तो ये आपने जो एक ब्रश के साथ में थोड़ा थोड़ा इसको साफ करते रहना ताकि यहाँ पर क्रिस्टलाइज ना हो, वरना फिर यही चीज़ जो है आपकी टर्किश डिलाइट को ख़राब करेगी। बीच में आपको किरचियाँ सी नज़र आएंगी जो चीनी की वजह से बन जाती हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा एक गीले ब्रश के साथ में आप इसकी साइड्स को यूँ अच्छी तरह साफ करते चले जाएँ जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो। चीनी यहाँ पर होगी डिजॉल्व, अब यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में कर देना है। और जो कैंडी थर्मामीटर मैंने आपसे कहा है कि आपको ज़रूर कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आप ख़रीदते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपकी कुकिंग ख़राब नहीं होती, चीज़ें भी ज़ाया नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख लें कि कैंडी थर्मामीटर में बीच में इसमें यहाँ पर यूँ रखने लगी हूँ और जैसे ही इसके अंदर आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर आ जाएगा 240 पर, तो विच इज़ एक्चुअली इसको कहा जाता है सॉफ्ट बॉयल। तो ये है कि यहाँ पे जिस तरह ही आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए इसको लो टू मीडियम पर रख लें और चीनी को अच्छी तरह बीच में डिजॉल्व होते चले जाने दें, पकने दें और साथ ही साथ एक गीले ब्रश से जैसे मैंने आपसे कहा है कि साइडों की जो ऊपर चीनी की चाश जमती है वो आपने नहीं जमने देनी है और इसी के से आप इसको कर लें। फिर आपको नेक्स्ट चीनी की चाश तैयार हो रही है, आपने क्या करना है दूसरा जो मैंने आपको दिखाया था कॉर्न फ्लावर क्रीम ऑफ टार्टा और पानी जो हमने ऐड किया है इसको अब यहाँ पर आपने पकने देना है। इतना पकाएंगे कि इसका जो टेक्सचर है एक बहुत ही गाढ़ा और एक ग्लू यानी गोंद की तरह आपको दिखेगा। बीच में आप ये चमचा हिलाते रहें, ये मैं भी इसलिए चेंज कर दूँगी, सिर्फ इसको मैंने मिक्सिंग के लिए रखा था यहाँ पर। तो ये कि लकड़ी का चमचा ले लें या फिर कोई भी स्टील का ले लें चमचा, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि साथ साथ आप इसमें चमचा हिलाते चले जाएंगे और जिस तरह ये गाढ़ेपन की तरफ आएगा मैं आपको तब दिखाऊंगा। चमचा हिलाते चले जाना है और प्लीज़ फ्लेम को आपने यहाँ पर इसको सिर्फ मीडियम पे रखना है, हाई पे आप नहीं रख लें। कॉर्नफ्लावर किस तरीके से ये गोंद की शक्ल में आ रहा है, इसमें आप चमचा हिलाते चले जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। और तब तक चीनी की चाश जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ अब कि वो सॉफ्ट बॉयल जो है उसका स्टेज कहाँ पर। शुगर जो है बॉयल होकर अगर आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट बॉयल पर आ चुका है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 240 पर आ गया है। यहाँ पर ला करके आप चूल्हे को बंद कर देते हैं
इतना आपने इसको पकाते चले जाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर रख करके। ये हो गया इसका यहाँ पर एक काम, चीनी की जो हमने बीच में शुगर सिरप डालना है वो भी बिल्कुल अपने पॉइंट पर आ गया। यहाँ पर आपको एक और मदद की ज़रूरत होगी, एटलीस्ट नीड समवन टू हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पर आप ये अकेला काम नहीं कर सकते। एक हाथ से आप इसको मिक्स करेंगे और दूसरा हाथ जो है इसमें आहिस्ता आहिस्ता चाशनी को ऐड करता जाएगा इस तरीके से, और चूल्हा आपने नीचे बिल्कुल लो पर रखना है। देखते जाएं कि मैं किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसमें चाशनी ऐड करती हूँ ताकि कोई लम्स ना हो, बीच में रुक जाती हूँ, मिक्स करती हूँ, अब दोबारा इसमें चाशनी डलेगी और मैं साथ साथ तेज़ तेज़ यहाँ पर इसको हिला रही हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि चाशनी कितने आराम से डाली जा रही है ताकि आप पर कोई स्प्लैशेज ना आए, वो बहुत ही बॉइलिंग हॉट है। ये देख लें इतनी डली, उसके बाद स्टॉप करेंगे इसको अच्छी तरह आप वुडन स्पून से यूँ मिक्स करेंगे। आप देख लें कि चाशनी जो है बहुत ही जल्दी कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में मिक्सअप हो जाती है। साइडें साथ साथ भी इसकी आप साफ़ करते चले जाएंगे और ये काफ़ी मेहनत का काम है। अब दोबारा इसमें चाशनी डलेगी बाकी की और ये काम तैयार हो जाता है। ये काम बहुत ही नाजुक है, इसमें आपको मदद की भी ज़रूरत है। यहाँ पे आपने कोई गड़बड़ की तो यकीन जाने कि ये आपका टर्किश डिलाइट बिल्कुल नहीं बनेगा, वो टेक्स्चर तक आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ चीज़ें जो आपको मैं दिखा रही हूँ वो प्लीज़ ज़रूर खरीद लिया करें, मेरे शॉप स्टोर पर जा करके, मेरी वेबसाइट पे आप वहाँ से ले सकते हैं, ईजिली आपको मिल जाती है और एक आधा दिन तक आपको डिलीवर भी हो जाती है। तो ये देख लें, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टर्किश डिलाइट ऑलमोस्ट अपनी एंड पर आने वाला, लेकिन अब आपने इस पेस्ट को एक घंटे के लिए पकाना है, यानी कि 1 आवर के लिए। बीच बीच में आप चमचा हिलाते चले जाएंगे जब तक कि इसका कलर आप देखेंगे बिल्कुल हल्का सा पेल सा गोल्डन सुनहरा रंग हो जाएगा। तो इसको हम पकाते रहेंगे, बीच बीच में प्लीज़ चमचा हिलाना ना भूलिएगा। तो ये है कि इसको एक घंटे के लिए लो फ्लेम पर रख करके आपको पकाना है, पेशेंस की ज़रूरत है। आपको दिखाने की वजह ये कि मैं कॉन्स्टेंटली इसमें चमचा हिलाती चली जा रही हूँ, मैं किचन को बिल्कुल नहीं छोड़ रही, ना ही आप छोड़ेंगे, वरना ये बहुत जल्दी लग जाता है और इसके अंदर में आप काले काले बिट्स भी देखेंगे। तो चमचा आप कॉन्स्टेंटली हिलाते रहते हैं, साइडों से ऊपर से नीचे जाएंगे ताकि नीचे ये नहीं चिपकना चाहिए। अगर आप देखेंगे इसका कलर कितना डिफरेंट हो चुका है, पहले वाइट था, अब ये क्रीमिश कलर की तरफ आ रहा है। हमने इसका सुनहरा रंग करना है जिस तरह गोल्डन सिरप का होता है, गोल्डन सा कलर। और फिर आपको दिखा देख लें, ये इसका जो टेक्सचर है आपको चाहिए, इतना आपको इसका कलर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ला कर के आप ऐड करेंगे जो कि आपको रोज़ वाटर और कलर दिखाया था वो मैंने मिक्स कर लिया है, वो इसमें बीच में डाल दें और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। कलर डाल लेने के बाद रोज़ वाटर आप बीच में नट्स इसमें ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आपको दिखा। अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है और जो आपका टर्किश डिलाइट का मिक्सचर है इसमें आप ट्रांसफ़र करेंगे और आपने इसको अच्छी तरह स्प्रेड आउट कर लेना ताकि ये इवनली आपकी जो ग्रीस डिश है उसमें सेट हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसको बीच में स्प्रेड आउट करने के बाद जो क्लिंग फिल है उस पर भी आप थोड़ा सा ग्रीस लगाते हैं, इसी के से स्प्रे कर लें या बटर लगा लें जो आपके पास अवेलेबल है, थोड़ा तेल लगा लें और इसको उसके ऊपर इवनली जो है स्प्रेड आउट कर लें। मैंने इसे एक्चुअली ओवरनाइट रहने दिया था ठंडा हो जाने के लिए। तो वैसे भी डिपेंड्स कि आप कितने डीप पैन में इसको डाल करके ठंडा कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा गहरा है मेरी तरह तो फिर आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे और अगर थोड़ा पतला ट्रे तो 4 से 5 घंटों में भी हो जाता है। ग्रीस करने से देख लें क्लिंग फिल कितना ईजिली रिमूव हो जाता है। इसे एक साइड पर कर देते हैं। एक बोल ले लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे जो कि आपकी पाउडर शुगर है और बीच में जाएगा कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। देख लें इसको मिक्स कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि एक आपको ट्रे चाहिए होगा, बिल्कुल साफ होना चाहिए, गीला ना हो, उस पर आप जो है थोड़ा सा पहले पाउडर शुगर और कॉर्नफ्लोर का जो है मिक्सचर को आप डस्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारी टर्किश डिलाइट है ये बहुत आसानी से, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी ग्रीस किया था, सिर्फ हाथों से आप इसको यूं रिलीज करते हैं और पहले इसके ऊपर जो है आप रख दीजिएगा। देख लें यहाँ पर आपने रख लेने के बाद सिंपली जो भी कटर आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो पिज्ज़ा कटर हो, नाइफ हो या फिर सिजर्स, उसे अच्छा जो है हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा ताकि ये चिपकता नहीं है। और जितने अब आपने यहाँ पे स्लाइसेस करने, मोटे हों या पतले, दैट्स योर चॉइस अगेन, इसे यूँ आपने काट लेना है। ये देखने पीसेस मैंने इसके कर लिए हुए, जितने आपने मोटे या बारीक को आपकी चॉइस पर है। यू रिमूव कर लेने के बाद जो बाकी का हमारे पास बोल में कॉर्नफ्लोर और पाउडर शुगर का मिक्सचर है उसमें आप इसको यूँ डाल करके अच्छी तरह मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आप कोट कर लें ताकि एक दूसरे से फिर इनके पीसेस चिपकते नहीं हैं। और आपने जब इनको रखना होगा तो ये देख लें ईजिली निकल आता है।
स्टोर करने का तरीका ये होगा कि आपने इसे अच्छी तरह मेक श्योर करना है कि इवन जब आप इसको एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे तो उसमें इनफ ये पाउडर शुगर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ताकि एक दूसरे से फिर ये स्टिक नहीं होंगे। ये कर लेते हैं, फिर रिश आउट कर लेते हैं। ये रहा आपका टर्किश डिलाइट, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए, जरूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज cookwithfaiza.net पर। यहाँ पर आपको हर वीडियो के नीचे रिटन रेसिपीज मिलती हैं। काफी बहन भाई बार बार एक ही बात पूछते हैं कि मैं कंप्लीट रेसिपी नहीं दे रही हूँ। आप लोगों को यही बताऊंगी कि हर वीडियो की एंड में आपको लिंक्स भी दिए जाते हैं और मैं रिपीट भी करती हूँ, दोबारा कर रही हूँ कि फुल रेसिपी रिटन के लिए आपको जाना है मेरी वेबसाइट पे विच इज cookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।